हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वासिफ नुमान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर जिक्रिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी। इब्तदाई रिपोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वासिफ नुमान पर लगाए गए तमाम तर इल्जाम दुरुस्त साबित हुए। तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भिजवा दी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वासिफ नुमान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मामला है तालिबा को हिरासा करने का, जिस पर जिक्रिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी बनाई थी और अब उस तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो गई है। इब्तदाई रिपोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वासिफ नुमान पर लगाए गए तमाम इल्जाम दुरुस्त साबित हो गए हैं। तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी भिजवा दी है, जबकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वासिफ नुमान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी हां, आपको बताएं कि जिक्रिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वासिफ नुमान पर लगाए गए तमाम तर इल्जाम दुरुस्त साबित हुए। मजीद तफसीला जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिक्रिया यूनिवर्सिटी की जानेब से जो असिस्टेंट प्रोफेसर वासिफ नुमान का तालिबा को हरासा करने का मामला सामने आया था, उस हवाले से तीन रुकनी कमेटी बनाई गई थी, इंक्वायरी कमेटी। उसने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल किया, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वासिफ नुमान को मुअत्तल किया गया और उस हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब को भिजवा दी गई है। इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने भी नोटिस किया था और दो रोज में तहकीकात मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए थे, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो वीडियो सबूत सामने आए थे उसके साथ जो तालबा का बयान कलम बंद किया गया उसके मुताबिक। बहुत शुक्रिया बिलाल न्यासी हमें अपडेट करने के लिए।